अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जरवा रहमान और आप देख रहे हैं कुकिंग विद जरवा। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है ढाबा स्टाइल छोले, जो कि स्ट्रीट फूड की शान है। तो चलिए शुरू करते हैं। 250 ग्राम चने लिए, रात को भिगो दिया और सुबह 10 मिनट प्रेशर कुकर में उबाल लिया। इसके बाद कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया है और आधा कप ऑयल वो शामिल किया। 3 प्याज बारीक कटे हुए वो ऐड करने हैं और अच्छी तरह से फ्राई करके ब्राउन कर लेना है आपने। ये ढाबा स्टाइल छोले जो हैं, ये पंजाब में बहुत फेमस है, लोग बहुत शौक से खाते हैं इन्हें। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें 1 चाय का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करना है और इसे भी अच्छी तरह से भून कर ब्राउन कर लेना है, मतलब फ्राई करके आपने ब्राउन कर लेना है। इंशाल्लाह आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए, ये ब्राउन हो चुके हैं। जब ये ब्राउन हो जाए तो इसमें 1 टमाटर बारीक कटा हुआ वो शामिल करना है। ढाबा स्टाइल छोले जो हैं, ये पंजाब में बहुत फेमस है, तो लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं। इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। आप लोग घर पे बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे लगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है। पानी शामिल करने के बाद हम इसमें 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर वो शामिल करना है, 1/2 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर वो शामिल करना है और अच्छी तरह से तकरीबन 2 मिनट हम इसको दरमियानी आंच पर पकाएंगे। और इसके बाद 5 मिनट के लिए हम अपने मसाले को गलने के लिए हल्की आंच पर छोड़ देंगे। मसाला जितनी अच्छी तरह गलेगा हमारी ग्रेवी उतनी ही अच्छी बनेगी। हमारा मसाला जो है वो गल चुका है और इसकी शक्ल देखिए कितनी अच्छी आई है। जितनी अच्छी शक्ल होगी खाना भी उतना ही अच्छा होगा। अब इसमें चने शामिल करने हैं जो मैं पहले से उबाल चुकी हूँ। इसके बाद आपने चनों को मसाले में अच्छी तरह से भूनना है। जितनी अच्छी भुनाई होगी आपके छोले उतने ही शानदार बनेंगे। भुनाई पर कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना। 2 सब्ज मिर्च साबुत वो शामिल करनी है, इससे हमारे जो ढाबा स्टाइल छोले हैं वो बहुत ही अच्छे और स्पाइसी बनेंगे। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी शामिल करूंगी ग्रेवी के लिए, ये देखिए। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इन्हें 10 मिनट्स के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये पक रहे हैं आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 10 मिनट्स के बाद ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये देख सकते हैं आप, दिल चाह रहा है कि अभी निकालूं और अभी खा जाऊं। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला वो शामिल करना है, इसे हमारे जो ढाबा स्टाइल छोले हैं वो बहुत ही लजीज बन जाएंगे और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। गरम मसाले से ये होता है कि आपका जो खाना है बहुत ही अच्छा और लजीज बनता है। सबर धनिया बारीक कटा हुआ वो शामिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शानदार, बेहतरीन और जायके से भरपूर ढाबा स्टाइल छोले तैयार हो चुके हैं और अब आपके सामने हैं। ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं जायके में उतने ही बेहतरीन हैं। आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।